दोस्तों, क्या आपको पता है इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं, किसी भी वक्त किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और वे हम सब के बीच दूसरे लोगों की तरह रह सकते हैं। आपको इस तरह की कहानियाँ किस्से खूब सुनने को मिले होंगे, पर आप ज़रा सोच कर देखिए, तब क्या हुआ होगा जब 5 साल के बच्चे को बचाने खुद नाग देवता दौड़े चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर में रहने वाले रामपाल जी की। रामपाल जी एक गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी पर उनका गुजारा चलता है। रामपाल जी की नई नई शादी हुई थी। शादी को 9 महीने बीत गए और देखते ही देखते 9 साल उनकी शादी को हो गए। रामपाल जी महादेव के भक्त थे। रामपाल जी की बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करने की ठान ली। फिर एक दिन वे भगवान शिव के मंदिर में पूजा करते हुए मन ही मन सारी बात बताते हैं और भगवान शिव की कृपा से रामपाल जी को एक बच्चे की प्राप्ति होती है। रामपाल जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और महादेव का धन्यवाद करते हैं। उनकी पत्नी भी इस बात से बहुत खुश हो गई। लेकिन एक बार रामपाल जी अपने बच्चे के साथ खेत में थे, तभी उन्हें प्यास लगी और पानी पीने तालाब के पास पहुँचे। तभी रामपाल जी का बेटा अचानक तालाब में गिर गया और रामपाल जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उनकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। फिर रामपाल जी ने महादेव को सच्चे मन से याद किया और बोले कि हे महादेव, मेरी मदद करो। और तभी महादेव का चमत्कार हुआ। वहाँ एक बड़ा सा सांप आया जिसका आकार सामान्य सांप से बहुत बड़ा था। उसने उस बच्चे को अपनी पूंछ में लपेट कर तालाब के किनारे छोड़ दिया और गायब हो गया। बच्चा रामपाल जी के पास सही सलामत पहुंच गया। रामपाल जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।